अस्सलाम वालेकुम। टुडे लेक्चर नंबर इज़ 5, यूनिट नंबर 4, स्टनिंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। एंड द टॉपिक डिस्कशन आर देयर लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, एडिशन ऑफ फोर्सेस, हेड टू टेल रोल, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एंड टॉर्क, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आल्सो डिस्कस्ड हेयर। First of all, we would like to discuss about the like and unlike parallel forces. Like parallel forces ki agar definition dekhe, like parallel forces are the forces that are parallel to each other and have the same direction, यानी कि ऐसी forces जो एक दूसरे के parallel हों और 0 degree का angle बनाएं और उनकी direction same हो। यानी अगर एक force right side पर लग रही है तो अगली force भी right side पर लगनी चाहिए, अगर एक force upward लग रही है तो दूसरी force भी upward लगेगी, इसी तरीके से अगर एक force downward लग रही है तो दूसरी force भी downward लगेगी। यानी कि अगर एक फोर्स लेफ्ट साइड पे है तो दूसरी फोर्स भी लेफ्ट साइड पर लगेगी। तो इसी तरीके से लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शन, के उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो वो फोर्सेस लाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगी। यानी आपस में 0 degree का एंगल बना रही हूँ। तो इसका एक पैराग्राफ है पेज नंबर 86, यूनिट नंबर 4, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का। वी ऑफन कम अक्रॉस ऑब्जेक्ट्स ऑन विच मैनी फोर्सेस आर एक्टिंग, के ऐसे ऑब्जेक्ट भी हमने देखे हैं जिस पर बहुत सारी फोर्स क्या कर रही होती हैं, एक्ट कर रही होती हैं। इन मैनी केसेस वी फाइंड ऑल आर सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन द सेम डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, many people push a bus to start, why all of them push it in the same direction, all these forces are applied in the same direction, so these are parallel to each other, such forces which are parallel to each other are called the parallel forces। यानी कि एक बस है रोड पर, ठीक है, और उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो आगे की तरफ जाए। इसका मतलब है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो कि उस बस के पीछे खड़ा हुआ है वो आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब है कि सबकी फोर्स जो है वो आगे की तरफ लग रही है, यानी एक डायरेक्शन में है, 0 degree का एंगल मिला रही है। इसका मतलब क्या है कि तमाम फोर्सेस के हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं और क्या है कि वो एक ही डायरेक्शन में है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है लाइक पैरेलल फोर्सेस की। वेट ऑफ, अब यहाँ से अगर हम ये देखें कि एक यानी कि काफ़ी सारे एप्पल्स हैं जिनको पैक किया हुआ है और उनका जो वेट है, हमने कहा था जो वेट होता है वो ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करता है। इसका मतलब है कि एप्पल का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन सारे एप्पल्स जो हैं उनका वेट सबका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इट मीन्स कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से सबके वेट जो हैं वो डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, डाउनवर्ड की तरह डाउनवर्ड आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सब जो है पैरेलल नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि उन पर जो फोर्स अप्लाई की जा रही है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जो उनका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जो उन पर फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड उनको लेकर जा रही है। इसका मतलब है कि वो तमाम के तमाम का जो वेट है वो पैरेलल जा रहा है, 0 degree के एंगल पर है। फिगर जो है 4.3 दिखाई गई है, शोज़ अ बैग विद एप्पल्स इन इट, एक ऐसा बैग है जिसमें बहुत सारे एप्पल्स रखे गए हैं। द वेट ऑफ द बैग इज़ ड्यू टू वेट ऑफ ऑल द एप्पल्स इन इट, के ये एक ऐसा बैग है जिसमें तमाम के तमाम जो एप्पल्स हैं वो रखे गए हैं। सिंस द वेट ऑफ एवरी एप्पल इन द बैग इज़ अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट वर्टिकली डाउनवर्ड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एप्पल्स जो हैं वो एक ही बैग में रखे गए हैं, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है,
ठीक है, जिसकी वजह से जो एप्पल्स का वेट है वो पैरेलल फोर्स की वजह से पैरेलली डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है, और वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये भी लाइक पैरेलल फोर्सेस की क्या होगी, बेस्ट एग्जांपल होगी। तो ये दोनों एग्जांपल हैं, और लाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन को फिर दोबारा रिवाइज कर दूँ कि लाइक पैरेलल फोर्सेज आर द फोर्सेज दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शन, के जीरो डिग्री के एंगल पर वो सेम डायरेक्शन में मूव आउट कर रही हूँ, तो उसको क्या बोलेंगे, लाइक पैरेलल फोर्सेज। तो ये एक शार्ट क्वेश्चन है, कभी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर नहीं आता, तो ये शार्ट क्वेश्चन है, तो शार्ट क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन लिखनी है, और ये जो वेट ऑफ ईच एप्पल यानी कि जो फिगर 4.3 है लाइक पैरेलल फोर्सेस की, ये डायग्राम बनानी है और बताना है कि जो एप्पल का वेट है डाउनवर्ड एड कर रहा है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और यही एग्जाम्पल देनी है पिक्चर बनाकर। तो दूसरी एग्जाम्पल जो है, यानी कि जो दूसरी डेफिनेशन अब हम पढ़ेंगे वो है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की। अब देखें, हमने इन दोनों में डिफरेंस अगर हम देखें, लाइक पैरेलल फोर्सेस का मतलब ये, लाइक मतलब सेम, अनलाइक का मतलब है डिफरेंट, यानी कि लाइक अगर है सेम डायरेक्शन में, यानी अगर एक फोर्स एक राइट साइड पर लग रही है तो दूसरी फोर्स भी क्या होगी कि वो राइट साइड पर लगेगी। इसी तरीके से अनलाइक में अगर एक फोर्स राइट साइड पर लग रही है तो दूसरी फोर्स लेफ्ट साइड पर लगेगी, यानी कि वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आनी चाहिए। तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की जो डेफिनेशन है वो ये है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल बट हैव डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर। ये लास्ट में जो लाइन लिखी हुई इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल बट दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। पैरेलल तो हैं लेकिन क्या है कि 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक एंटी पैरेलल है, इनकी डेफिनेशन अनलाइक का मतलब यही होना कि एंटी पैरेलल, के एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, यानी कि 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, जबकि जो लाइक पैरेलल फोर्सेज हैं वो 0 डिग्री का एंगल बना रही हैं, और इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो इसकी एक एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं, पिक्चर पे आपको दिखाई गई है कि एक एप्पल है, उसको स्ट्रैंड से अटैच किया गया है विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग, जो वेट है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो उसके ही एंटी पैरेलल जो टेंशन है वो अपवर्ड मूव कर रही है। तो इसका मतलब है ये 180 डिग्री का एंगल बनाकर एक अनलाइक पैरेलल फोर्स शो कर रहे हैं कि अगर एक फोर्स डाउनवर्ड लग रही है तो दूसरी फोर्स उसके रिटर्न में अपवर्ड लगेगी, जैसे कि फिगर 4.4 है, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। एन एप्पल इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग, यानी कि एक एप्पल है उसको स्ट्रिंग के साथ सस्पेंड किया गया, यानी कि लटकाया गया है। द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच ड्यू टू द वेट ऑफ द एप्पल, कि एप्पल का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो स्ट्रिंग है यानी कि एक रस्सी है उसमें खिंचाव आएगा और वो भी नीचे की तरफ जाएगी, इसीलिए उस स्ट्रिंग को बैलेंस करने के लिए एक वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगी, जिसको बोला टेंशन, ठीक है, क्योंकि द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर वेट, यानी कि जो पहले जो फोर्स एक्ट कर रही थी वो वेट थी, वेट ऑफ द एप्पल एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, के एप्पल का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, और जो स्ट्रिंग में टेंशन है पुलिंग इट वर्टिकली अपवर्ड, और जो स्ट्रिंग के अंदर यानी कि जो टेंशन क्रिएट हुई है वो उसको अपवर्ड लेकर जाएगी, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड लग रही है। तो हम यही देखेंगे कि हैं तो एक दूसरे के पैरेलल, लेकिन कौन सा पैरेलल, जो एंटी पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे यही है, दैट दीज टू फोर्सेस आर पैरेलल बट ऑपोजिट टू ईच अदर, देयर फोर दे आर कॉल्ड द अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बिकॉज दे आर दे शो द 180 डिग्री एंगल बिटवीन द टेंशन एंड द वेट, टेंशन इज एक्टिंग ऑन द अपवर्ड एंड द वेट इज एक्टिंग ऑन द डाउनवर्ड, ठीक है। तो उसके बाद है एक और, हमने फिगर देख ली, फिगर जो बी है उस पर भी एक स्ट्रैंड है जो बिल्कुल स्ट्रेट पड़ा हुआ है, अगर एक फोर्स उसके राइट साइड पर अपवर्ड लग रही है तो दूसरी फोर्स लेफ्ट साइड पर डाउनवर्ड लग रही है, इसका मतलब है कि वहाँ पर भी 180 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि वो एक एंटी पैरेलल शो कर रही है, यानी कि अनलाइक पैरेलल फोर्स शो कर रही है, यानी कि पैरेलल, देखो जो पैरेलल और एंटी पैरेलल, इसके दोनों का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, तो दोनों में उनकी फिगर बनानी है, उनकी डेफिनेशन लिखनी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लेकिन अगर ये डिफरेंस के केस में आ जाए कि इन दोनों के डिफरेंसेस बताने हैं कि एक पैरेलल और एक अनलाइक पैरेलल, तो आपने एक साइड पर पैरेलल लिखना है, दूसरा अनलाइक पैरेलल फोर्सेस लिखना है, और दरमियान में जो है मिड, यानी कि मिड में एक आपने उसको मार्जिन लगा देना है,
ठीक है, तो एक तरफ आप पैरेलल फोर्सेस लिखेंगे, दूसरी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस लिखेंगे। जो आप पैरेलल फोर्सेस हैं ना, उसमें आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसकी डायग्राम बनानी है और उसकी क्या लिखनी है कि एग्जांपल के थ्रू उसको एक्सप्लेन करना है। लेकिन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के केस में भी आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिगर बनानी है और फिगर बनाकर उसको एक्सप्लेन करना है। दो आ गए। उसके बाद तीसरा डिफरेंस ये है कि जो पैरेलल फोर्स है ना, वो 0 डिग्री का एंगल शो करती हैं और उनकी सेम डायरेक्शन होती है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हैं, वो 180 डिग्री का एंगल शो करती हैं और उनकी ओपोजिट डायरेक्शन होती है। ये गागिन के डिफरेंस, और ये दोनों क्या हैं, इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद ये कुछ एंगल्स हैं, ये याद रखने हैं। साइन थीटा जो होता है, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब जो है ये बीसी और ये ओवर एबी, ये एसी ओवर एबी, ये बीसी ओवर एसी, इनको याद नहीं रखना। ये आपकी बुक का जो, यानी कि आपका जो पेज है यूनिट नंबर 4 का पेज नंबर 88, उसमें ही येलो जो है लेबल किया गया सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसमें एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें ए और बी जो है वो हाइपोटेनियस शो कर रहे हैं, बी और सी जो है परपेंडिकुलर शो कर रहे हैं, और ए और सी जो है वो बेस शो कर रहे हैं। तो उस पिक्चर को देखकर एक्सप्लेन किया गया है जो कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है, इसलिए वहाँ पर परपेंडिकुलर बी और सी है और जो हाइपोटेनियस है वो ए और बी है, इसलिए वहाँ पर उसको लेबल किया गया बी सी ओवर ए बी। लेकिन आपने जहाँ तक जो याद रखना है, वो आपने बस ये याद रखना है कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। बाकी जब आप खुद यानी कि डायग्राम बनाएंगे तो अपनी मर्जी से आप वहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखेंगे ए बी सी डी ई, तो उसके मुताबिक आप परपेंडिकुलर भी खुद डिसाइड करेंगे और हाइपोटेनियस भी। तो ये बी सी ओवर ए बी, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अपने जहन में रखें, इसको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट यहाँ तक याद रखना है कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कॉस थीटा जो है वो बेस ओवर हाइपोटेनियस है, एंड टेन थीटा जो है इन दोनों का कम्बिनेशन है। यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा को आपस में मिला दो तो टेन थीटा बन जाएगा। तो देखो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो साइन थीटा में देखो परपेंडिकुलर है तो पर साइन थीटा लिखना है, और बेस जो है वो कॉस थीटा को शो कर रही है, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस पे आप कॉस थीटा लगा देंगे, यानी टेन थीटा की दोनों जो इक्वेशन अच्छी बन जाएंगी। यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, या टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर बेस। इसको जस्ट याद रखना है। उसके बाद है, हमने एडिशन ऑफ फोर्सेस जो है वो पढ़ा, यानी कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस जो हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के केस में सबसे पहला जो केस है वो है रेजोल्यूशन ऑफ यानी कि फोर्सेस बाय इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अच्छा, ये मैं आपको सेपरेट सेपरेट टॉपिक्स इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि जब आप मेन टॉपिक्स पर आएँ तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, तब जाकर आप उन मेन टॉपिक्स को कवर आउट कर सकेंगे। तो पेज नंबर आपकी बुक का है पेज नंबर 89, और उसके लास्ट में है डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। पर आपको ये पता होना चाहिए कि बेस है या अलोंग एक्स एक्सिस है, वहाँ पर हम एक्स रखते हैं और जो परपेंडिकुलर है उसको हम वाई से डिनोट करते हैं, अलोंग वाई एक्सिस। तो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि साथ साथ जो है वो याद हो जाए। जैसे कि सिंस ऑफ फोर्स कैन बी रिजोल्व इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, के दो फोर्सेस हैं उनको उनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया गया। यहाँ आप खुद भी देख सकते हैं पी और आर, जो कि राइट साइड पे एक एरो अपवर्ड शो हो रहा है, वहाँ पर एक एफ वाई कंपोनेंट लिखा हुआ है, ये फर्स्ट परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और उसी की ही लेफ्ट साइड में ओ और क्यू जो कि अपवर्ड एरो जा रहे हैं, उनके दरमियान में एफ और वाई है। इसका मतलब है कि दो रेजोल्यूशन फोर्सेस जो हैं वो डाली गई हैं
by its perpendicular components. It reverses to determine the force knowing its perpendicular. Components. Consider Fx and Fy as the perpendicular components of a force F. ये perpendicular components हैं, एक Fy है, एक Fx है. Fx जो है वो O और P के mid में Fx है, यानी कि along x axis force लग रही है, और P और R के दरमियान Fy है जो कि फोर्स लग रही है अलोंग इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट अलोंग इट्स y एक्सिस. तो दो कंपोनेंट हैं, एक तो Fx है जो कि अलोंग x एक्सिस पे फोर्स शो कर रहा है, और एक है Fy कंपोनेंट जो कि अलोंग y एक्सिस फोर्स शो कर रहा है. दीज परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि ऐसी कंपोनेंट जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. तो हम यहाँ पे देखो कि O और B और उसके राइट साइड पे P और R के दरमियान में Fy है, और O और P के मिड में Fx है. तो Fx और Fy आपस में क्या 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. और इसी तरीके से लेफ्ट साइड पर देखें, O और Q के दरमियान में जो Fy है और O और P के मिड में जो Fx है, तो देखो कि Fx जो फोर्स जो है अलोंग x एक्सिस पे लग रही है, और जो फोर्स F है यानी कि y है वो अलोंग y एक्सिस लग रही है. तो उन दोनों के दरमियान में क्या है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. इसका मतलब ये है कि ऐसी फोर्सेस जो किसी भी एक्सिस पर लग गए, चाहे वो अलोंग एक्सिस लग रही हैं या अलोंग y एक्सिस लग रही हैं, लेकिन होनी तो दोनों कंबाइन चाहिए ना. यानी कि अगर Fy पर एक फोर्स लग रही है ड्यू टू Fy अलोंग y एक्सिस, तो उसी की ही सेम टाइम में अलोंग x एक्सिस जो पे भी फोर्स लगेगी वो Fx फोर्स होगी. उन दोनों के दरमियान में एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए. क्योंकि परपेंडिकुलर केस की बात की गई है. दीज परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स एंड एफ वाई आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस ओ पी एंड पी आर रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर. फिगर 4.8 डिटरमिनेशन ऑफ अ फोर्स बाय इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. अकॉर्डिंग टू द हेड टू टेल रूल. अच्छा, हेड टू टेल रूल हमें ये बताता है कि अगर एक एरो हमने लगाया, ठीक है, उसका टेल और उसका हेड दोनों है, तो उसकी वो है ए वेक्टर, तो उससे ही उसके हेड से, ठीक है, एक और एरो लगाएंगे जो कि दूसरा जो हम एरो लगा रहे हैं उसका टेल और पिछले वाले ए वेक्टर का हेड आपस में मिलना चाहिए, ठीक है. और जो दूसरा वेक्टर हमें बी ड्रा करना है उसका हेड और जो रिजल्टेंट हमने लगाना है उन दोनों का हेड आपस में मिलना चाहिए. तो और जो रिजल्टेंट है उसका टेल और वेक्टर ए का टेल आपस में मिलना चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पे आप सेम देखो कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी यहाँ पे शो किए गए हैं. जैसे कि जो मैं के अभी आपको डिटेल में बताया था उसको मैं यहाँ से पिक्चर से समझाती हूँ. जैसे कि ओ और पी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से एक एरो निकल रहा है, ठीक है. पी और आर के दरमियान में एक दूसरा वेक्टर है. ओ और पी जो है इसको आप ए वेक्टर कंसीडर कर लें, पी और आर जो है इसको आप बी वेक्टर कंसीडर कर लें. तो देखें, ए वेक्टर का जो हेड है वो पी पर आया है, दूसरा वेक्टर यानी कि जो हमने बी वेक्टर बनाया था उसका टेल और पहले वेक्टर ए का जो हेड है वो आपस में मिल रहा है. और जो रेड एरो ओ और आर पे टच कर रही है वो एक रिजल्टेंट वेक्टर है. तो देखें, जो हमने आखिरी रिजल्टेंट वेक्टर बनाया उसका टेल और ए वेक्टर का टेल आपस में मिल रहा है, और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का हेड. आपस में ज्वाइन कर रहा है. ये होती है हेड टू टेल रूल, एडिशन ऑफ वेक्टर्स. तो आप देखें कि ओ आर पे एक, अब देखें ओ और पी जो कि फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस लग रही थी यानी कि ए वेक्टर पर, वो एफ एक्स है, ठीक है. इसी तरीके से पी आर पर जो फोर्स लग रही है वो एफ वाई है, ठीक हो गया. और जिनका रिजल्टेंट है वो खाली एफ है.
तो हमने इक्वेशन बनानी है, जैसे कि ओ आर इज इक्वल टू ओ बी प्लस पी आर, ठीक है। यानी कि ओ आर शो करेगा एफ को, रिजल्ट एफ को, एफ इज इक्वल टू, और ओ पी शो कर रहा है एफ एक्स को, तो एफ इज इक्वल टू एफ एक्स, और पी आर जो है वो एफ वाई को शो कर रहा है, तो एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ये क्या हो गया, डायग्राम से मैंने आपको इक्वेशन समझा दी। अब तो था कि अब देखें, अब जो यहाँ पर f है ना, f इज इक्वल टू एफ एक्स और एफ वाई, इनको बोल्ड करके लिखा गया क्योंकि ये वेक्टर थे, वेक्टर तो हैं। अब क्या करना है, इनको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेके जाना है। मैग्नीट्यूड में जब हम लेकर जाएंगे तो क्या करेंगे, हमने कहा था कि जो f है वो ओ आर के इक्वल है, एफ एक्स जो है वो ओ पी के इक्वल है, इसी तरीके से जो पी आर है वो एफ वाई के इक्वल है। तो f जो था वो ओ आर के इक्वल है, तो ओ आर का आप स्केयर लेंगे, जैसे ही आप ओ आर का स्केयर लेंगे तो इसी तरीके से आपको फिर ओ पी का भी स्केयर लेना पड़ेगा, ठीक है। इन द सेम वे आपको पी आर का भी स्केयर लेना पड़ेगा, तो ओ आर जो f को शो कर रहा है f का भी आप स्केयर ले लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ओ पी का जब आपने स्केयर लिया था तो जाहिर सी बात है आपको एफ एक्स का स्केयर लेना पड़ेगा, और पी आर जो है यानी कि एफ वाई है उसका आपको स्केयर लेना पड़ेगा। यानी कि आपने दोनों साइड्स क्या हो गए, आपने जब स्केयर रूट ले लिया तो एफ, अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ आपने जब अंडर रूट लेकर आएंगे, ठीक है, या तो ये दोनों अंडर रूट जब आप दोनों पर लेकर आएंगे तो आपके पास आनी चाहिए एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। लेकिन क्या है कि एक तरफ आपने अंडर रूट लेकर आए और आपने स्केयर को ख़त्म कर दिया, यानी कि एफ पर, खाली एफ पर जब आप अंडर रूट लेकर आए तो उसका स्केयर ख़त्म हो गया, लेकिन राइट साइड पर आपने अंडर रूट लगा दिया बट आप स्केयर नहीं ख़त्म कर रहे, वो ऐसे ही रहेगा। अगर आप चाहते हो उसको स्केयर को भी ख़त्म कर सकते हैं। तो इक्वेशन आपके पास बनी 4.5 पे एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर, और इन दोनों को कंबाइन करके इन पर क्या ले लिया, स्केयर रूट ले लिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ विद एक्स एक्सिस इज गिवन बाय टेन थीटा। हमें पता है कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा ओवर बेस, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, और कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो सिंपल सा तरीका है, हमने टेन थीटा जो हमने पढ़ा था, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो देखो आप वहाँ पे लिखा हुआ था टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इस पिक्चर में देखो कि यहाँ पिक्चर में परपेंडिकुलर कौन है, पी और आर के दरमियान में एफ वाई है, तो एफ वाई क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और बेस उन्होंने कहा है कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हमें पता चल गया एफ वाई है, तो बेस क्या होगा, जो कि हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल देखें अलोंग एक्सिस एफ एक्स है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब आपने यहाँ से एंगल फाइंड आउट करना है, तो एंगल यानी कि फेज एंगल इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। अब मैंने इसको एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं लिखी क्योंकि सिर्फ पिक्चर को यहाँ पर इसलिए जो है वो मैंने कंसाइड किया ताकि जिस पिक्चर को देखकर यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया जाए आपको, एक्सप्लेनेशन से मैंने समझाना था और पिक्चर आपके सामने रखनी थी ताकि पिक्चर को देख देख कर आप समझ लें कि वेक्टर को किस तरह ऐड किया जाता है और हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैसे निकालना होता है, फेज एंगल कैसे मालूम करना होता है, ये सारी चीज़ें। अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन पहले लिख देती और पिक्चर आपको बाद में दिखाती तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। इसी वजह से पिक्चर मैंने आपके सामने रखी और आपको आपकी बुक में से पढ़ाया ताकि एक एक लाइन भी आपको कवर आउट हो जाए, ठीक है, और आपको समझ में भी आ जाए कि पिक्चर जो सामने रखी गई है ये क्या क्या बता रही है। तो 89 पेज जो था वो हमने कवर कर लिया साथ में ही कि डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो हमने टेन थीटा जो है वो फाइंड आउट कर लिया कि टेन थीटा जो है वो क्या बताता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस।
ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शार्ट क्वेश्चन के तौर पर कभी भी नहीं आता, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। अगला टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क की डेफिनेशन तो आप लोगों को पता होगी कि टॉर्क इज इक्वल टू टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। टॉर्क को हम दूसरा नाम भी देते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, एक ऐसी फोर्स जो कि मोमेंट क्रिएट कर देती है किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने में, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो एक टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। टॉर्क आर नोन इज आल्सो नोन एज द मोमेंट। तो टॉर्क में हमने चार चीज़ों को कवर करना है, एक है रिजिड बॉडी, एक है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक है मोमेंट आर। ठीक है, इन चार चीज़ों को हमें डिस्कस करना है। अब देखो एक्सप्लेनेशन जो है ना, ये तो जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि हमने जो जो टॉपिक डिस्कस करने हैं और इसका मैं जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ हल्का हल्का, लेकिन आगे आगे जितने टॉपिक्स आते जाएंगे उनको मैं और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में बताऊँगी, ताकि आपको पता भी चल जाए कि आज के लेक्चर में जो है हमने क्या क्या टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया और उनकी एक्सप्लेनेशन जो है हमने किस तरह कवर कर ली। तो हाफ चैप्टर जो था जस्ट यूनिट नंबर 4 का, वही आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले टॉर्क में हम रिजिड बॉडी को डिस्कस कर रहे हैं। रिजिड बॉडी यानी कि एक ऐसी बॉडी जो बिल्कुल सख्त हो, जो कि पार्टिकल से तो बनी हो, स्मॉल पार्टिकल। ये देखो एक चीज़ है बहुत बड़ी है। अब जैसे कि यहाँ पर डोर दिखाया गया, इट इज़ इजी टू ओपन एंड क्लोज द डोर बाय पुलिंग और पुशिंग इट एट इट्स हैंडल। अब डोर जो है ये आपको बड़ा लग रहा है कि बहुत बड़ा है, हालांकि ये स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बड़ा डोर बनाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो लार्ज पार्टिकल बना देते हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े मिले उनको कंबाइन किया तो उन्होंने क्या बना दिया, एक दरवाज़ा। ठीक है, यानी कि रिजिड बॉडी, दरवाज़े को रिजिड बॉडी बोलते हैं ना, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी तो नहीं होती, एक दरवाज़ा है, हम उसको अपनी मर्ज़ी से रोटेट तो नहीं करवा सकते, यानी दरवाज़ा उसको हम बेंड तो नहीं कर सकते, वो जिसका स्ट्रेट है वो वैसे ही स्ट्रेट रहेगा, जिसकी वजह से हम एक डोर को रिजिड बॉडी का नेम दे देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिजिड बॉडी, पेज नंबर 90 पे यूनिट नंबर 4 का, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। रिजिड बॉडी, अ बॉडी इज़ कम्पोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन आल पेयर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज बाय अप्लाई का फोर्स देन इट इज़ कॉल्ड अ रिजिड बॉडी। यानी कि बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स आपस में मिले और उन्होंने मिलकर एक लार्ज पार्टिकल बना दिया, यानी कि बहुत छोटे छोटे टुकड़े आपस में मिले, वो यानी कि लकड़ी के जो टुकड़े थे आपस में मिले और उन्होंने एक दरवाज़ा बना दिया। ठीक है, अब क्या है कि अब जो ये डोर है ये बिल्कुल सख्त है, रिजिड है, बिल्कुल सख्त है। अब आप इस दरवाज़े को अपनी मर्ज़ी से रोटेट नहीं करवा सकते, अपनी मर्ज़ी से आप इसको बेंड नहीं कर सकते, यानी कि झुका नहीं सकते। ठीक है, आप इसको किसी भी लिहाज से चेंज नहीं कर सकते, आप इसका जो मर्ज़ी फोर्स इस पर अप्लाई कर दें बट ये क्या करेगा, चेंज नहीं होगा। ये इतना चेंज हो सकता है कि आप इसको अपनी तरफ पीछे कर सकते हैं या आगे की तरफ, इसको आप ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं कर सकते। तो यही रिजिड बॉडी जो है ये बता रही है कि रिजिड बॉडी बॉडी इज कम्पोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल, कि एक ऐसी बॉडी जिनको बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से बनाया गया है, जो कि एक लार्ज देती है बॉडी हमें। इफ़ द डिस्टेंस, वो कह रहे हैं अगर एक ऐसा डिस्टेंस हो, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन आल पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स थे वुड यानी कि लकड़ी के जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उनके दरमियान में जो डिस्टेंस था, ठीक है, अगर हम फोर्स को अप्लाई भी कर दें तो वो चेंज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अब वो उन्होंने मिलकर एक डोर बना दिया है, एक दरवाज़ा बना दिया है। ठीक है, तो क्या होगा कि आप इस दरवाज़े को पुल कर सकते हो, पुश करते हो, यानी कि आप इसका जो हैंडल है उसको आप पकड़ते हो। ठीक है, आप उसको अपनी तरफ करते हो या आप किसी दूसरे सामने वाले की तरफ कर देते हो। ठीक है, अब आप इसको घुमा नहीं सकते, यानी कि इन पार्टिकल्स को आप चेंज नहीं कर सकते, इनकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, इन पर आप चाहे जितनी भी फोर्स अप्लाई करते हैं।
इट इज़ ईजी टू ओपन एंड क्लोज द डोर बाय पुलिंग आर पुशिंग इट एट इट्स हैंडल, कि आप इसके हैंडल के थ्रू क्या कर सकते, इसको पुल कर सकते हैं और इसको पुश कर सकते हैं, ना कि आप इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल पार्टिकल्स जो थे अब वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, उनका डिस्टेंस जो आपस में था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, अब उन्होंने एक लार्ज पार्टिकल बना लिया, ठीक है। और इसी तरीके से अ रिजिड बॉडी इज़ वन दैट दैट इज़ नॉट डिफॉर्म बाय फोर्स आर फोर्स, यानी रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है चाहे उसको हम बहुत ज़्यादा फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि हम उसकी शेप को डिफॉर्म नहीं कर सकते, यानी कि हम उसको बिगाड़ नहीं सकते। जिस तरह वो शेप है वो वैसे रहेगा, जैसे दरवाज़ा है, ये वाला दरवाज़ा आप इस पर इसको क्या करते हो, इसको फोर्स अप्लाई करते हो उसको तोड़ने के लिए अपने हाथ से, ये टूटेगा नहीं, इसके पार्टिकल्स आपस में जुड़ चुके हैं, इसका मतलब है कि इसकी शेप जैसी है वो वैसी रहेगी, डिफॉर्म नहीं करेगी, यानी कि बिगड़ेगी नहीं, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन के केस में देखें, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ये बेस्ट शो कर रहा है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि टार को आपके घर में जो है नल होता है, आप उसके हैंड उसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है यानी उसका जो हैंडल होता है आप उसको रोटेट करते हो, उसके एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहे होते और पानी नीचे से आ रहा होता है। इसका बताने का क्या मकसद था, वो ये था कि अब जैसे कि यहाँ पर है अब जिस तरह के यहाँ पर जो है एक टैब दिखाई गई है, ठीक है, और क्या है कि इस टैप का जो ऊपर वाला कैप है वो अपने एक्सिस के गिर्द क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो रोटेट कर रहा है इसका मतलब है वो टॉर्क वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि टार्क यानी कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टार्क और मोमेंट ऑफ द फोर्स, यानी कि क्या हो गया कि अब जो ये टैप का जो हैंडल था वो अपने एक्सिस के गिर के कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पर फोर्स प्रोड्यूस हो रही है जो कि तार को प्रोडक्शन में एम्प्रे कर रही है, यानी कि फोर्स ऐसे प्रोड्यूस हो रही है जो कि तार को प्रोड्यूस करने में एक अहम किरदार अदा कर रही है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो दूसरी पिक्चर है नीचे 4.10 की, आप सबके घर में जो दरवाजे होते हैं, ठीक है, उसको जो है कि हैंडल होता है गोल सा होता है, बिल्कुल सर्कल टाइप होता है, आप उसको क्या करते हो, जब इसको रोटेट करते हो या तो ओपन करने के लिए उसको क्लोज करने के लिए या तो खोलने के लिए बंद करने के लिए, तो क्या करते हो जब आप उसको घुमाते हो तो वो अपने एक्सिस क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। तो ये रोटेट किस वजह से हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर टार प्रोड्यूस हो रहा होता है, टार जो प्रोड्यूस हो रहा है किस वजह से होता है, कि आप फोर्स जब अप्लाई कर रहे होते हो तो उसके इफेक्ट में टार प्रोड्यूस होता है। टार की डेफिनेशन में पड़ती है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब उसके अपने ही एक्सिस के लिए रोटेट करवाया जाए तो उसका जो इफेक्ट है वो टार प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगला हमने पढ़ा था मोमेंट आर, ठीक है, तो मोमेंट आर में जो है वो उसको कवर कर लेते हैं। द लाइन एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द मोमेंट आर, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इन आवर मोमेंट आर, यानी कि एक स्पैनर है, स्पैनर के जो लेफ्ट साइड पे जो एक गोल सा सर्कल है वहाँ से आप एक डिस्टेंस ले रहे हो, ठीक है, और जो रेड एरो शो हो रहा है कि फोर्स जो वो डाउनवर्ड लग रही है वहाँ तक आप एक एरो लेकर आओ, यानी कि लेफ्ट साइड से जो लाइन को ड्रा करो राइट साइड तक उस लाइन को लेकर आओ, बाएं से दाएं तक उस लाइन को ड्रा करो, तो वो जो लाइन बन रही है यानी कि जो आपने लाइन ड्रा की है वो आपका मूवमेंट आर्म है, इसलिए ऊपर ही लिखा हुआ मूवमेंट आर्म। दूसरा स्पैनर है वहाँ पर भी देखो फोर्स जो है रेड एरो से नीचे डाउनवर्ड लग रही है, तो वहाँ पर एक ये देखें डॉटेड जो है यहाँ पर लाइन ड्रॉ किए गए मिड में, उसको बोलते हैं मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म की डेफिनेशन आ गई द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड द मोमेंट आर्म, ठीक है। तो अब जैसे कि अब यहाँ तक हमने क्या कवर किया,
टॉर्क की डेफिनेशन, यानी कि टॉर्क टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स नोन एज टॉर्क, और रिजिड बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन भी पढ़ लिया, मोमेंट आर्म। तो ये बताऊं कि जो टॉर्क है वो एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जब शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसकी दो एग्जांपल दे देनी है साथ में, ठीक है, और एक इक्वेशन लिख देनी है जो कि पेज नंबर 91 के लास्ट में 4.7 इक्वेशन है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू लेंथ, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर टॉर्क और फोर्स जो हैं ये दोनों क्या हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन दोनों पर एरो लगा देना है। तो मोमेंट आर्म भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जब मोमेंट आर्म आएगा तो आपने एक स्पैनर से इसकी एग्जांपल देनी है, और स्पैनर जो है ये जो डायग्राम मैंने शो की डायग्राम भी बनानी है लाजमी मोमेंट आर्म को शो कराने के लिए। इसी तरीके से जो टॉर्क है, टॉर्क शॉर्ट क्वेश्चन है, तो टॉर्क जो है इसकी डेफिनेशन विद इक्वेशन और इसकी एग्जाम्पल देनी है। और उसके बाद है रिजिड बॉडी यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, और थर्ड जो हमें लास्ट में पढ़ना है वो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। रिजिड बॉडी और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ना कि लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको जस्ट रीड आउट करना था टॉर्क को पढ़ने के लिए। लेकिन जब टॉर्क आएगा तो आपने दोनों को लिखना है लाजमी विद एक्सप्लेनेशन, यानी कि डायग्राम बनानी है और बताना है। और टॉर्क जो है इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, टॉर्क का जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर है, ठीक है, और डेफिनेशन लिख देनी है, इसकी क्वेश्चन बना देनी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, एक ग्रीन एरो है जो कि अपवर्ड जा रहा है बी और सी के दरमियान में, उसको बोला हमने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और जो बीच में जो सर्कल सा है ब्लू कलर का वो बना रहा है मोमेंट आर्म, यानी कि दोनों लाइन ऑफ एक्शन फोर्स के दरमियान में जो लाइन है यानी कि जो कैपिटल एल है वो मोमेंट आर्म को शो कर रहा है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की जो डेफिनेशन है, द लाइन along which a force act is known as the line of action of the force, ठीक है। अच्छा, अब line of action of force जो ये एक important short question है, जब भी short question के तौर पर आएगा तो आपने क्या करना है, आपने definition लिखनी है साथ में diagram बनानी है, इससे क्या हो जाएगा कि पूरा short question जो है वो complete हो जाएगा। तो definition जो है the line, अब यहाँ से देख लें तो लाइन यानी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यहीं से पॉइंट क्लियर हो रहा है कि एक ऐसी फोर्स जो किसी लाइन पर एक्ट कर रही हो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यानी कि ये फोर्स जो कि एक लाइन पर एक्ट कर रही हो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ से दोबारा एक डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो जाती है, द लाइन अलोंग विच अ फोर्स एक्ट, कि एक ऐसी लाइन जहाँ पर फोर्स एक्ट कर रही हो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो बी और सी पर एक फोर्स एक्ट कर रही थी जो कि अपवर्ड जा रही है, इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। और मोमेंट आर्म जो है ये ए और सी के मिड वाला पोर्शन, यानी कि ए हैश और बी के मिड वाला पोर्शन, उसको हम बोल देंगे मोमेंट आर्म। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की जब आपसे पूछी जाएगी डेफिनेशन, आपने डेफिनेशन लिखना है साथ में डायग्राम बनानी है, एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो टार के केस में हमने रिजिड बॉडी भी पढ़ा, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी पढ़ा, लाइन ऑफ एक्शन फोर्स भी पढ़ लिया और मोमेंट आर्म भी पढ़ लिया। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि टार जो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जब टार आएगा तो डेफिनेशन लिखनी है, उसका यूनिट लिखना है कि वन टार्क इज इक्वल टू वन नैनोमीटर वन न्यूटन मीटर। उसमें आपने रिजिड बॉडी और एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों को डिस्कस करना है, इनकी यानी कि बताना है, इनको एक्सप्लेन कर देना थोड़ा सा, ठीक है। टार्क डेफिनेशन जो आपने लिख देनी है, फिर आपने बताना है कि उसमें उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, टॉर्क में क्या क्या इंक्लूड है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी आ जाता है, उसमें मोमेंट आर्म आ जाता है। तो आपने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन लिखनी है, साथ में डायग्राम बनानी है जो कि यहाँ पर शो की गई है, 4.12 फिगर है। मोमेंट आर्म में मोमेंट आर्म की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। और उसका क्या करना है कि मोमेंट आर्म को भी इसी डायग्राम के थ्रू बता देना है कि मोमेंट आर्म जो यहाँ पर शो हो रहा है, और फिर क्या करना है कि ये जो है आ जाएगा आपका पूरा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कवर आउट हो जाएगा।
अच्छा जी, ये तो जी हमारे जो मेजर टॉपिक्स थे उनको जी हमने क्या कर लिया था, हमने उसको डिस्कस कर लिया था। उसके बाद है आपका प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स जो है ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो यहाँ से हम दोनों को ही सबसे पहले जो हम क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है उसको हम कवर आउट कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो कि रेड कलर का जो ब्लॉक है पेज नंबर 92 पर, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अ बॉडी इज बैलेंस्ड इफ़ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन द बॉडी, यानी कि एक बॉडी पर अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्ट हो रहा है तो उसके बदले में इज़ इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन इट। के प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का यही होता है ना कि यानी कि अगर एक साइड पर क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रही है तो उसकी दूसरी साइड पर उसको बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगेगी। ठीक है, जब उसको बैलेंस यानी कि अगर एक क्लॉकवाइज लग रही है मूवमेंट, इसको बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ के लगेगी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगेगी, यानी कि दोनों आपस में प्रिंसिपल्स क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। अक्सर आपने देखो कि जब आप पार्क्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर एक सीसा यानी कि एक ऐसा जिसको कह लो मतलब झूला जो होता है वहाँ पर आप लोग झूलते हो, स्विंग जिसको बोलते हैं कि स्विंग होते हैं वहाँ पर, काफ़ी सारे स्विंग्स हैं और आप उस पर क्या कर रहे हो मतलब आप उस पर झूल रहे हो, तो क्या होता है कि आप आपकी ही पेज नंबर 92 पे 92 पेज है और उसकी ही बेस्ट डायग्राम आप यहाँ से देख लें, फिगर 9.4.14। उसमें दो जो चिल्ड्रंस हैं वो बैठे हुए हैं। ठीक है, अब क्या है कि एक जो है वो लीवर के बहुत ज़्यादा करीब बच्ची बैठी हुई है और जो एक बच्चा है यानी कि एक बॉय है वो लीवर से बहुत ज़्यादा दूर यानी कि लार्ज डिस्टेंस पे है। अब जो बच्ची है ना यानी कि जो गर्ल है उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह से वो नीचे की तरफ जाएगी ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और जो बच्चा है यानी कि बॉय उसका वेट जो है वो बहुत कम है, बहुत स्मॉल है। तो जाहिर सी बात है दोनों एक साथ बैठे हुए हैं तो बच्ची का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है तो वो डाउनवर्ड जा रहा है तो वो नीचे की तरफ आएगी, और जो बच्चा है यानी कि बॉय है उसका वेट जो है वो बहुत कम है तो उस बच्ची से कंपेयर करते हुए उसका वेट जो है बहुत स्मॉल है तो वो अपवर्ड मूव करेगा। तो यानी कि फिर क्या होता है कि अब बच्ची जो अब वो क्या होगा कि दोनों जो हैं वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं है क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा कि अब दूसरी आप फिगर देखें, दोनों ही यानी कि जो है गर्ल और बॉय दोनों बैठे हुए हैं और दोनों का वेट जो है अगर दोनों का देखें तो अगर हम इसको कंसीडर करेंगे या तो दोनों का लार्ज है दोनों का ही या दोनों का बहुत ज़्यादा स्मॉल है, लेकिन दोनों का वेट एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल मूवमेंट आकर ये शो करता है कि अगर एक क्लॉकवाइज है तो उसको बैलेंस करने के लिए एक एंटी क्लॉकवाइज भी आ जाएगा, जिससे क्या होगा प्रिंसिपल मूवमेंट जो है वो मेंटेन हो जाएगा। तो यहाँ से एक पैराग्राफ जो है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के ही नीचे से पैराग्राफ है वो उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। अ फोर्स दैट टर्न्स अ स्पैनेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन जनरली यूज टू टाइटन अ नट इज फिगर 4.3 जो है आपकी पेज नंबर 92 में फिगर 4.13 है, वहाँ पर देखें तो एक क्लॉकवाइज जो है मूवमेंट शो हो रही है, स्पैनर है उसके दरमियान में एक नट लगा हुआ है और जो फोर्स है वो अपवर्ड लग रही है। ठीक है, और क्या है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है, लेकिन क्या है कि प्रिंसिपल मूवमेंट कहते हैं कि अगर एक क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, तब प्रिंसिपल मूवमेंट जो है वो मेंटेन हो जाता है, यानी कि एक क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रही है तो उसको बैलेंस करने के लिए उसकी इक्वल साइड पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगी। तो अब देखें एक स्पैनर है और स्पैनर के दरमियान में क्या है नट है, उसको टाइट करने के लिए क्या होगी क्लॉकवाइज मूवमेंट यानी कि फोर्स लग रही है अपवर्ड, तो दूसरी तरफ ये प्रिंसिपल मूवमेंट को फॉलो करते हुए क्लॉकवाइज को बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शो हुआ जो कि फोर्स लग रही है डाउनवर्ड। तो प्रिंसिपल और मूवमेंट यहाँ पर एग्री करते हैं कि क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट हो रही है तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या आना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आना चाहिए। ऑन द अदर हैंड टू लूजन आन नट कि अगर नट को लूज़ करना है तो फोर्स जो है वो डाउनवर्ड अप्लाई करेंगे
क्या होगा, फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर जो है वो स्पैनर जो है मूव करेगा। तो टार्क आर द मूवमेंट, यानी कि हमने बोला था द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टार्क, और टार्क को हम मूवमेंट भी बोलते हैं। द टार्क आर मूवमेंट ऑफ द फोर्स सो प्रोड्यूस कर द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि क्लॉकवाइज जो है उसको बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। तो यानी कि किसी भी चीज़ को बैलेंस करने के लिए, उसकी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, यानी कि बरकरार रखने के लिए, अगर एक तरफ क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है तो दूसरी तरफ उसको मेंटेन करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट चाहिएगा। तो इसका बेस्ट है कि प्रिंसिपल मूवमेंट, इसलिए तो कहते हैं कि क्लॉकवाइज इज़ द सम इज इक्वल टू द एंटी सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। प्रिंसिपल मूवमेंट जो है यहाँ पर एग्री करता है। दूसरा ये है कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो है एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन प्रिंसिपल मूवमेंट जो है इसके अपने डेफिनेशन जब आप लिखेंगे, जो कि रेड ब्लॉक में दिखाई गई है, अ बॉडी इज बैलेंस्ड विद द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। दोबारा देख लें, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये इक्वेशन शो कर रही है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को। अगर यहाँ पर हो सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज लेस देन सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये भी रॉन्ग है। सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज ग्रेटर देन द एंटी सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज आल्सो रॉन्ग। ये करेक्ट और ये राइट कब होगी, जब सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल हो जाएगा सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। तो प्रिंसिपल मूवमेंट जो है वो भी यही एग्री करता है, ठीक है। और इसके आपने क्या करनी है, या तो आपने जो फिगर 4.14 है ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का, इसमें आपने दोनों टाइप्स बतानी है, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। जब आप दोनों की टाइप्स बताएंगे, दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, तो आपने दोनों की ही एग्जाम्पल देनी है। या तो आप नेट वाली देंगे जो कि फिगर 4.13 है, या फिगर 4.14 पर चिल्ड्रन ऑन सी साइड, यानी कि जो दी गई इन दोनों फिगर में से आपने एक फिगर बनानी है, उसी फिगर को ही क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ये ना हो कि आप एक्सप्लेन किसी और को कर रहे हैं और डायग्राम किसी और की बना रहे हैं, इट्स वेरी रॉन्ग। तो या तो आपने डायग्राम बनानी है और उसी को एक्सप्लेन करना है, या तो फिगर 4.13 बना लें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को शो करने के लिए, या पर फिगर बना लें 4.14 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को शो करने के लिए। उसके बाद आ जाता है सेंटर ऑफ द मास, क्या मास का जो वेट है यानी कि वो सेंटर पे कैसे एक्ट कर रहा है। तो इसकी डेफिनेशन है, व्हेन वेयर एंड अप्लाइड फोर्स काज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराए बगैर उस पर फोर्स अप्लाई की जाए तो उसका क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ द मास। आपकी बुक का पेज नंबर 93 है, वहाँ पर जो है सेंटर ऑफ मास जो एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बट 94 पे आप आएँ और वहाँ पर एक रेड ब्लॉक में डेफिनेशन लिखी है, पर इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं, फिर 93 पेज पर आपने जाना है, फिर वहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊँगी। द सेंटर ऑफ द मास ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स काज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन, कि एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ पर उसको रोटेट ना करवाएं, बस क्या करना है कि हमें उस पर फोर्स अप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो वो होता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास आपको पॉइंट ये भी क्लियर कर रहा है कि मास जो है किसी भी बॉडी का मास हो बट उसके सेंटर पर फोर्स अप्लाई की जाए। जैसे कि आपको पिक्चर दिखाई गई है, आपकी पेज नंबर 93 पर ही ये फिगर है, 4.16 सेंटर ऑफ मास ऑफ टू अनइक्वल मैसेज। अब आप देखें, एक बॉडी ए है जिसका मास बहुत कम है और एक बॉडी बी है जिसका मास जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब बॉडी बी जो है वो ज़्यादा नीचे आएगी क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है, और जो बॉडी ए है वो ऊपर जाएगी। तो क्या करते हैं कि दोनों को बैलेंस करने के लिए हमने कोई ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करना है कि जो उन दोनों मास का सेंटर भी बने, और क्या अगर उसको बैलेंस कर दिया जाए यानी उसको रोटेट ना करवाया जाए। तो ओ पे देखो एक ऐसी फोर्स लग रही है, अब क्या है कि यहाँ ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में रोटेट नहीं कर रहे, ठीक है। यानी कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स काज अ सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। इसी तरीके से आप पेज नंबर 94 पर भी आ जाएँ, तो वहाँ पर काफ़ी सारी फिगर्स दिखाई गई हैं, जैसे फिगर 4.17 है, 4.18 है, 4.19 है। तो 4.17 यानी कि 4.17 जो फिगर है आपकी, उसको एक्सप्लेन करते हैं। आप फोर्स अप्लाइड एट सी ओ एम
मूव द सिस्टम विदाउट रोटेशन, ठीक है, यानी कि फोर्स अप्लाइड इन सच अ बॉडीज विच डू नॉट रोटेट व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड। जैसे कि अब एक ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ब्लू कलर वाले देखें तो इनका मास बहुत कम है, जो रेड कलर का मास बहुत ज़्यादा है, बट फोर्स तीनों की अगर हम देखें सेम पोजीशन पर लग रही है, इसका मतलब कि उसका सेंटर वहाँ पर है, ठीक है। इसी तरीके से आपने बताना है, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है इंपॉर्टेंट लॉ क्वेश्चन नहीं है, इशार क्वेश्चन के तौर पर आते हैं। तो जस्ट आपने डेफिनेशन लिखनी है और एक फिगर से आपने उसको ऐसे क्लियर करके समझाने की, अब आपको बाकी फिगर्स बनाकर समझाने की जरूरत ना पेश हो। उसके बाद जी है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है हम डिस्कस कर लेते हैं कि बॉडी जो है या उस आप यहाँ पर देखें फिगर 4.20। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज़ अ पॉइंट वेयर इट्स एंटायर वेट इज़ एज्यूम टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। हमने पहले ही पढ़ा था कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जो वेट होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी जो है ये अर्थ की एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी बॉडी का वेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो क्या करती है, बॉडी क्या करती है, वो डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देती है, यानी कि डाउनवर्ड हरकत करती है। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन है पहले आपको क्लियर कर देते हैं, 94 पेज है। तो अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपेयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स कर द सेंट्रल ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी। हमने पहले बताया था कि जो बॉडी उसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आना चाहिए, तो वर्टिकली डाउनवर्ड कैसे आता है, सेंट्रल ग्रेविटी की वजह से, यानी कि अर्थ की जो कैसी फोर्स होती है जो कि बॉडी के वेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाती है। एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है सेंट्रल ग्रेविटी का, आपने इसकी डेफिनेशन करनी, एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती है, एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो सेंट्रल ग्रेविटी को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपने डेफिनेशन याद रखनी है। डेफिनेशन आपको फिर मैं बता देती हूँ, अ पॉइंट वेयर द होल वेट पूरा वेट जो है ऑफ द बॉडी अपेयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स का द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी। यानी कि एक बॉडी है उसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, क्यों, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, के फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, और ये फिगर बता दी। इसी तरीके से जो पेज नंबर 95 है उस पर डिफरेंट टाइप्स की डायग्राम्स जो हैं वो बनाई गई हैं, जैसे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। सिमेट्रिकल होते हैं जो सेम, और अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है जो डिफरेंट होते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि अब ए फिगर देखें, यहाँ पर चकोर है, बी जो सर्कल टाइप दी गई है, सी रिक्टेंगल है, टी डी जो है ट्राइंगल है, ई भी सर्कुलर है, और एक सिलेंडर टाइप शेप एफ है। ये क्या है, इनके एंगल्स जो एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इन सब का सेंटर देखें बीच में बन रहा है, इसका मतलब है कि इन सब का जो वेट है वो डाउनवर्ड जा रहा है ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ एट द मिडल ऑफ अ यूनिफॉर्म एनीथिंग। ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये जो येलो कलर का पूरा ब्लॉक है, इसमें जस्ट डायग्राम बताकर आपको बताइए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की यानी कि जो फोर्स है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है। अदरवाइज़ क्या है कि आपने इनमें से कोई भी एक शेप ले लें, और पेपर में अगर आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपने जस्ट की डायग्राम बनानी है, ये डेफिनेशन लिखनी है, और जब आप डायग्राम बनाएं तो कोई एक डायग्राम बना दें, चाहे वो रेक्टेंगल की बना दें, ट्राइंगल बना दें, या मतलब स्क्वायर बना दें, सर्कल बना दें, जस्ट एक डायग्राम बना लें, बल्कि दो डायग्राम बना देंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्या होता है फिर डेफिनेशन से ना अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, आप बता सकेंगे ईजिली कि हाँ जी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और बॉडी जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, अगर वो डाउनवर्ड जा रही है तो वो वेट जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है वो किस लिए जा रहा है, तो आपने बताना है कि ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी जो है ये अर्थ की एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के जो वेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उसके बाद आ जाते हैं एक एक्सपेरिमेंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट सबसे पहले तो 95 पेज देखें, 95 पेज के लास्ट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप थिन लेमिना ये है, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट पर हम लोग आएंगे। अ सिंपल मेथड,
अ सिंपल मेथड टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज़ बाय द यूज़ ऑफ प्लम्ब लाइन। के ना आप देखें, ज़रूरी तो नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट जो है उसकी सिमिलर शेप होगी, सिमेट्रिकल शेप होगी, ठीक है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जो इरेगुलर फॉर्म में होते हैं, वहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर पहले आप इस पैराग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ लो ताकि आपको एक्सपेरिमेंट पर समझ में आएगा। तो क्या है कि अ प्लम्ब लाइन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मेटल बॉब, एक प्लम्ब लाइन जो है स्मॉल मेटल बॉब पर क्या करती है जो है कंसिस्ट करती है, ये एक्सपेरिमेंट को ही शो कर रहा है। इस पिक्चर को आप देखो और यहाँ से मैं आपको पेज से आपको पढ़ाती हूँ ताकि आप पिक्चर को देख कर आप मुझे समझ लो। अब यहाँ पे प्लम्ब लाइन शो हो रहा है फिगर 4.23 पे, आपको एक्सपेरिमेंट करके जो समझाया जा रहा है। प्लम्ब लाइन के पेंसिल से शो किया गया है एक ए और एक ए है कैपिटल ए, वहाँ पर एक स्मॉल लोब है, ठीक है। इसी तरीके से बी है, सी है, जी है। तो इन सबको देखो, ग्रेविटी सेंटर ग्रेविटी में फाइंड आउट होगी, आपने लाइन लगानी है, इन सबको आपस में ड्रा करें। तो बीच में इनका सेंटर, इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो चेकिंग लाइन बैलेंस जो है ये बता रही है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड में है। तो एक्सपेरिमेंट है, पहले एक्सपेरिमेंट जो है हम पढ़ेंगे तो फिर साथ साथ इसका जो है कवर आउट हो जाएगा। वो कह रहे हैं टेक एन इरेगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड है उसके इरेगुलर पीस आपने लेना है। ज़रूरी नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल, और कुछ अनसिमेट्रिकल भी होते हैं, जैसे कि इरेगुलर फॉर्म में ये कार्डबोर्ड है। मेक होल्स, आप होल बना लें ए बी और सी, आपने इसके तीनों साइड पर होल बना लिए, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि नियर इट्स एज, इसका एक एज है फिक्स ऑन नेल, उससे एक नील यानी कि कील्स उसको फिक्स कर दें दीवार पर। अब जो ए है ना, ए के ऊपर एक ये छोटा सा सर्कल है, ये कील को शो कर रहा है कि कील से क्या कि इस कार्डबोर्ड को ना दीवार के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। लेट इट बी ए सो दैट द कार्डबोर्ड कैन स्विंग फ्रीली अबाउट ए। अब कार्डबोर्ड क्या है वो ना फ्रीली रोटेट करना शुरू कर देगा दीवार के साइड पर, यानी कि साइड पर कभी राइट होगा कभी लेफ्ट होगा। द कार्डबोर्ड विल कम टू रेस्ट, अचानक वो क्या होगा रेस्ट में आ जाएगा, यानी आपने उसका रेस्ट में आने का वेट करना है, ठीक है। विद इट्स अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जस्ट वर्टिकली बिलो द नेल, फिर नेल की वजह से फिर आपको, अब देखिए जैसे आप कार्डबोर्ड को ना यानी कि नेल के जरिए दीवार के साथ फिक्स करेंगे ना, पहले तो वो लेफ्ट राइट रोटेट करना शुरू करेगा और वो फिर अचानक स्टॉप हो जाएगा। जैसे वो स्टॉप होगा आपको पता चल जाएगा, ए से पॉइंट जो है वो नीचे आया, तो इसके मतलब आपको पता चल गया कि ये क्या है, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो वर्टिकली बिलो द नेल कर रही है। वर्टिकल लाइन फॉर्म ए कैन बी लोकेटेड यूजिंग प्लम्ब लाइन ह्यूज फ्रॉम द नेल, मार्क द लाइन कार्डबोर्ड बिहाइंड द प्लम्ब लाइन रिपीटेड बाय द सपोर्टिंग द कार्डबोर्ड फ्रॉम द होल बी। फिर बी होल से आपने क्या करना, इसको करना है सपोर्ट। इसी तरीके से जब आप स्टेप बाय स्टेप ए पे लाएंगे बी पे लाएंगे सी, तो आपको पता चल जाएगा इन सबका जो एक्सिस है वो सेंटर में आकर मिल रहा है, जहाँ पर जी कैपिटल है, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है जब वो डाउन वर्टिकली मूव कर रहा होता है वो ड्यू टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा होता है। अच्छा जी, अब मैंने आपको ना सारे टॉपिक्स बता दिए, मैं दोबारा से ना स्टार्ट से आपको जो है वो बता दूं कि हमने यूनिट नंबर जो 4 है वो आज हमने पढ़ना था सेंटर ऑफ ग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट तक। तो उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक जो वो कवर आउट किया, लाइक पैरेलल फोर्सेज, अनलाइक पैरेलल फोर्सेज, एडिशन ऑफ फोर्सेज, यानी कि मैंने आपको एडिशन ऑफ फोर्सेस जो है वो टॉपिक्स इसलिए रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में पढ़ा दिया कि अगर आप पहले पढ़ते तो आपको समझ में ना आता, इसलिए जब हमने जो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस बाय इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे उसमें ही मैंने हेड टू टेल रूल के जरिए हेड टू टेल रूल भी ऐड कर दिया ताकि वो आपको इजीली कवर आउट हो जाए। तो पहली बात तो ये कि हेड जो लाइक और पैरेलल फोर्सेस जो थी वो शार्ट क्वेश्चन के तौर पर आती हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ फोर्सेस जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज जो है ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्सेज फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और टार्क जो एक शार्ट क्वेश्चन है, लेकिन शार्ट क्वेश्चन में भी आपने रिजिड बॉडी और एक्सिस ऑफ रोटेशन को करके लिखना है, एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, मोमेंट आर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, इनकी डायग्राम बनानी है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो है इसमें आपको बताने के सम ऑफ क्लॉक वाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट एंड दे आर द प्रिंसिपल यूनिट्स। प्रिंसिपल यूनिट की मूवमेंट्स की जब डेफिनेशन आपको कवर आउट हो जाएगी, फिर आपने क्या करना है, अपने डेफिनेशन जब क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट्स को आप डिस्क्राइब कर रहे होंगे, उनकी डेफिनेशन लिख रहे होंगे, तो आपने उनकी क्या करनी है, पिक्चर से उनको ड्रा करके बताने कि ये क्लॉक वाइज और ये एंटी क्लॉक वाइज है। सेंटर ऑफ मास जो है इसमें आपने इसकी जो है डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है।
सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों इंपॉर्टेंट चार क्वेश्चन हैं, ठीक है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर कभी भी नहीं आता, बट इसका एक्सपेरिमेंट्स करके आपको बताएगी कि कोई भी रेगुलर अगर शेप आपको दी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सेंटर कहाँ पर बन रहा है। यहाँ तक जो है हमारे टॉपिक कवर आउट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो आपको नेक्स्ट लेक्चर डिलीवर किया जाएगा उसमें हम कपल और बाकी सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स जो थे आज के डिस्कशन में हमने पढ़ लिए। तो यूनिट नंबर जो 4 था ये फर्स्ट हाफ जो हमने कवर आउट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हाफ जो है बच गया है वो हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। तो मेजर कंसेप्ट जो थे वो फोर्स ऑन बॉडीज इससे हवाले से भी आपको बता दिया गया, एडिशन ऑफ फोर्सेस भी बता दिए गए, इसी तरीके से रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस था वो भी बताया गया, मोमेंट ऑफ अ फोर्स है वो भी बता दिया गया, इसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो है वो भी आपको क्या कर दिया गया, कवर आउट कर दिया गया। अब आपने क्या करना है, आपने लाइक और अनलाइक पैरल फोर्सेस को पहले अपने जो बुक है पहले आपने लेक्चर अच्छे तरीके से इसको गौर से सुन लेना है। जो इसको आसान से और आराम आराम से बताने में और स्लो स्लो बताने में, ठीक है, और बुक से मैंने भी आपको साथ साथ रीड करवा दिए, इन सब को बताने का मकसद असल में ये था कि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो आपको मुश्किल ना हो एग्ज़ाम में। तो लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो थी उसमें जो है ये एक इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, लाइक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का एक इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, और एडिशन ऑफ फोर्सेस जो है ये एक इम्पोर्टेंट लॉ क्वेश्चन है, ठीक है, लॉ क्वेश्चन के तौर पर आता है। और ये अच्छे तरीके से आपने इसको कवर करना है, ठीक है। जब आपको ये पता चल जाएंगे कि हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस किस तरह हैं तो आपको एंगल्स भी याद करने में आसानी होगी। और साथ में आपको बता चलूँ पेज नंबर आपके यूनिट नंबर 4 का टर्निंग फैक्टर 4 से पेज नंबर 88 उसके ना लेफ्ट साइड पे लास्ट में एक जो है साइन कॉस और टेन और इनके एंगल्स बताए गए हैं। साइन 30 इसके इक्वल है, साइन 45 इसके इक्वल है, साइन ये एंगल आपने अच्छी तरीके से याद करने, एक तो पॉइंट्स में याद रखने जो पॉइंट्स यहाँ पर बताए हुए हैं 0.07 हो गया, 0.86 हो गया, और दूसरा इसके दूसरी फॉर्म है अंडर रूट फॉर्म में वो भी आपने करना है। जैसे कि साइन 30 डिग्री जो है वो 0.5 के इक्वल है तो, और साइन 30 जो है वो 1/2 के भी इक्वल है तो 1/2 पे डिवाइड करो दोबारा 0.5 आ जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। और साइन 60 जो है वो अंडर रूट 3/2 है, ठीक है, और जो कोज 30 वो अंडर रूट 3/2 है तो कोज 30 जो है वो 0.86 के भी इक्वल है, साइन 60 जो है वो 0.86 के इक्वल है, इसी तरीके से जो टेन 90 है वो इनफिनाइट हो जाता है, कोज 90 पे 0 हो जाता है, ठीक है, साइन 90 पे 1 हो जाता है, और इनकी रेशियो बतानी है, इससे क्या होगा पता चल जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा तो टेन थीटा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस आ जाएगा तो साइन थीटा, बेस ओवर हाइपोटेनियस आ जाएंगे तो वो कॉस थीटा। ये सारी जो रेशियोज हैं ये सारे आपको याद रखनी है। और यहाँ तक ये बहुत आसान था, सेंटर ऑफ मास भी आपने पढ़ लिया जो कि शार्ट क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी शार्ट क्वेश्चन, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये जस्ट शार्ट क्वेश्चन की डेफिनेशन, लेकिन ये डायग्राम से जस्ट आपने इसको समझाना है कि जी ये हमने पढ़ा था इस टॉपिक में ये, ठीक है, ये हो गया।